बात कर रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, मतलब हमारे को कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। किसने दिया? ग्राम्स ने लिया। किसके लिए दिया? डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के लिए दिया। ये डिफ्यूजन इफ्यूजन होता क्या है, तो पहले इस चीज को समझ लीजिए कि कोई भी चीज फैलती है, स्प्रेड करती है, स्ट्रीम करती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन। जैसे मैंने अपनी शर्ट में परफ्यूम लगा दिया, मैं जहां जहां जाऊंगा मैं खुशबू फैलाता हुआ जाऊंगा, तो जहां जहां जा रहा हूं मेरी खुशबू फैल रही है, तो ये क्या हो रहा है? जो मेरे खुशबू यानी कि जो फ्लेम है या फेवर है जो भी, उसके मॉलिक्यूल जो हवा में मूव कर रहे हैं मेरे शरीर से निकलते हुए, मेरे कपड़ों से निकलते हुए, वो एक तरह से क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। समझ में आया? तो जो चीज़ फैल रहा है वही डिफ्यूजन है। अब ये दो तरह से देखा जा सकता है। पहला कि डिफ्यूजन नॉर्मल तरीके से हो रहा है या फिर किसी एक होल में से निकलता हुआ बाहर जा रहा है। जैसे आप स्प्रे करते हो तो प्रेशर के साथ छोटे होल में से बाहर निकलता है, तो उसे क्या बोलते हो आप? इफ्यूजन। और बिना प्रेशर के निकल रहा है, जैसे मेरे कपड़ों में जो मैंने परफ्यूम लगा दिया ही हूँ और वो बिना उसके जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? प्रेशर की जरूरत होती है? नहीं। इफ्यूजन में क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा होल है, तो थोड़ा सा प्रेशर तो लगाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज हमारे लिए क्या कहलाएगी? इफ्यूजन। अब ग्राम इन दोनों के लिए ही रूल देता है, डिफ्यूजन और एंड इफ्यूजन दोनों के लिए, और सिमिलर रूल देता है। वो कहता है कोई भी चीज आसानी से फैलेगी अगर उसका मोलर मास कम है। तो मैंने कहा इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसने कहा इन्वर्सली होता है लेकिन स्क्वायर रूट के। समझ में आ रहा है? यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास या उसकी डेंसिटी, क्योंकि मोलर मास और डेंसिटी प्रोपोर्शनल है। आप जानते हो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास मल्टीप्लाई या डिवाइड कर, डिवाइडेड बाय टू। तो प्रोपोर्शनल हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी और मोलर मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट है। तो जहां जहां वेपर डेंसिटी आती है वहां मोलर मास लिखा जा सकता है। तो यही बात मुझसे पहले किसने कह दिया? ग्राम्स ले। तो नहीं, ग्राम्स लो कहलाता है। अगर मैंने कहा होता तो लखोटिया लो कहला रहा होता। तो पहले पैदा होने का फायदा उठा लिया है उन्होंने। तो एक बार पढ़ते हैं उसने अपने वर्ड्स में क्या कहा। मैं तो हिंदी में बोल रहा हूँ, वो होता तो इंग्लिश में बोलता, प्रॉपर इंग्लिश में बोलता। तो वो क्या बोलता? डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी ऑफ द सब्सटेंस टू स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल टू इट। डिफ्यूजन विल टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शंस एंड इवन अगेंस्ट ग्रेविटी। उसे ग्रेविटी से मतलब है ही नहीं, इतना हल्के पार्टिकल होते हैं कि विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दे कैन मूव इन एयर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। द स्ट्रीमिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू ए स्मॉल होल विथ प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। सही है, इफ्यूजन है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए, बस लिख लीजिए। काम का तो एक ही है, और वो है कि जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, जहां जहां मैं डिफ्यूजन लिख रहा हूं आप क्या लिख सकते हैं? इफ्यूजन लिख सकते हैं। इस प्रोपोर्शनल वन अपॉन एम स्क्वायर रूट में। अब आप ये कहेंगे सर रेट का मतलब क्या है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। तो रेट का मतलब क्या है? जब भी कभी रेट लिखा रहता है तो इसका मतलब पर यूनिट टाइम में वो जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो है। तो पर यूनिट टाइम में चेंजेज हो रहे हैं तो कैसे देखोगे? ध्यान से सुनना, यहां रेट का मतलब क्या होगा? मेरे मॉलिक्यूल्स कितनी तेज स्पीड से, एक पर सेकंड में कितने मॉलिक्यूल मेरे शरीर से खुशबू वाले निकले जो मैंने परफ्यूम लगा रखा है, ये रेट हो सकती है। हाँ, लेकिन हम यहाँ रेट को बाय डिफॉल्ट लेते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसको आप ऐसे समझेंगे, ये आपके पास कंटेनर है। अगर बहुत बड़ा होल कर रखा है तो प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? डिफ्यूजन। और छोटा होल कर रखा है तो क्या कहलाएंगे? इफ्यूजन। ये होल भी दो तरह के होते हैं, एक इस तरह से चलने वाला, तो इसको बोलते हैं नोजल। क्या बोलते हैं? नोजल। और ग्रेजुअली कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ऑरिफिक। समझ में आ रहा है? ये तो होगा ऑरिफिक और ये होगा नोजल। को समझ में आया बात?
खैर हमें उससे क्या लेना देना, ऑरिफिक हो या नोजल हो हमारे, लेकिन वर्ड्स याद होने चाहिए थोड़ा सा, काम तो एक ही चीज होगी। इसमें जो गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है, तो ये जो गैस है ये बाहर निकलेगी इस हॉल से होती हुई, क्लियर है? तो जो हमारे लिए डीवी बाई डी टी है, यानी ये गैस बाहर जाके कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी, पक्का वो डीवी बाई डी टी, या इसका कितना वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम बाहर निकला, बात एक ही है, वो भी डीवी बाई डी टी है, वो हमारे लिए किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/√m, और यही हमारे लिए रेट है। समझ में आ रहा है? तो आप चाहें तो कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है पर यूनिट टाइम है उसको रेट बोल दो, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, मोल के, तो आप उसको मोल बोल दो। तो कुल मिला के रेट का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस इन प्रेशर और वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस इन प्रेशर और वॉल्यूम एस्केप बाय हॉल इन 1 सेकेंड। कॉल्ड रेट। अब एक और वर्ड यहां डाल देते हैं, प्रेशर की जगह मैं मोल देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगता है, प्रेशर अलग है, अमाउंट ऑफ गैस इन मोल और वॉल्यूम एस्केप बाय होल इन 1 सेकेंड कॉल्ड रेट। तो इसी को आप क्या बोलोगे, रेट बोलोगे। तो यहां हमारे पास रेट का मतलब डीवी बाय डीटी हो सकता है, या आर का मतलब क्या हो सकता है, डीएन बाय डीटी भी लिख सकते हो आप, क्लियर करो, लिखते भी जाओ। आया समझ में आपको? एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यानी रेट अगर आपको निकालना आ गया, डीवी बाय डीटी बोलो या डीएन बाय डीटी बोलो, दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शनल है। डेंसिटी में मास की जगह ले सकता हूं, ठीक है? आप समझो यहां पर वेपर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब, ठीक है ना? और वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास डिवाइडेड बाय टू, रिलेटिव वेपर डेंसिटी बोलते हैं उसको। चलिए अगर यहां पर एक और गैस होती, इस तरह से होती एक और गैस, तब दो गैसेस बाहर निकलती, निकलती या नहीं निकलती, निकलती। तो अगर दो गैसेस होती है तो एक की रेट मान लीजिए R1 है और एक की रेट R2 है, तो R1 R2 M2 बाई M1 होती, या सुनो जो गैस ज्यादा हल्की है वो ज्यादा क्वांटिटी पे निकलेगी। तो लिख लीजिए यहां पर ये यह पॉइंट लिखते जाएं, क्या बोला मैंने आपको, लाइटर गैस लिबरेट इन मोर इन अमाउंट, तो लिख लिया आपने, यानी हमारे लिए जो गैस ज्यादा हल्की है वो ज्यादा अमाउंट में निकलेगी, द गैस विच इज मोर लाइटर लिबरेट इन मोर अमाउंट, द गैस विच इज मोर लाइटर लाइटर लिबरेट इन मोर अमाउंट, ये भी हमारा पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट हो गया हमारा, ध्यान से सुनना, क्या लिबरेट होने वाली इसी बात पे डिपेंड करेगी कि वो हल्की है, नहीं, एक फैक्टर और पे भी डिपेंड करेगी कि उसकी कंटेनर में क्या क्वांटिटी है, कंटेनर में क्या क्वांटिटी है। तो लिबरेट गैस ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस
इन कंटेनर। तो कुल मिला के कंटेनर के में भी रहेगा प्रोपोर्शनल, यानी आर प्रोपोर्शनल कंटेनर में अमाउंट जो हो रहा है वो एन है। कोई दिक्कत आ रही है? बोलो यस और नो। तो इसका मतलब अगर दो गैसेस हैं, एक आर वन और एक आर टू, तो पता है क्या आएगा, एन वन एन टू अपॉन, नहीं एन वन आएगा क्योंकि एन के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली किसके, मोलर मास के। तो फाइनली हमारे को ये इक्वेशन मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी मोल के तो प्रोपोर्शनल है और मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपके दिमाग में अंदर तक रहना है, अभी लिखना बंद करें, पहले एक बार और समझ लें। एक लाइन और बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद लिखिएगा। यानी ये तो हमारे पास रेट हो गई, बोलो क्लियर है? क्या मोल और किस पे डिपेंड कर सकते हैं, अंदर की तरफ। ये मोल पता है कौन से, अंदर वाले, कौन से हैं, अंदर वाले कंटेनर में। तो कंटेनर में जिसके ज्यादा मोल होंगे उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, बोलो होगा? तो ये है क्या एक तरह से पार्शियल प्रेशर। तो कहीं ना कहीं पार्शियल प्रेशर कंटेनर के अंदर, आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, पी वन अपॉन पी टू। मोल फ्रैक्शन ले सकते हो, मोल ले सकते हो, पार्शियल प्रेशर ले सकते हो, पार्शियल वॉल्यूम ले सकते हो, लेकिन पार्शियल वॉल्यूम इतना ज्यादा यूज नहीं आती है, टर्म यूज कम ही करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर तो ले सकते हो, इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर गैस का कितना है अंदर की तरफ, इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर अपन डाल्टन्स में पढ़ चुके हैं पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल वॉल्यूम टर्म यूज ही नहीं करते कोई भी, मैं भी नहीं यूज करता। इंडिविजुअल कंटेनर में आपने जो भरा था तो 2 लीटर हाइड्रोजन भरी, 3 लीटर हीलियम भरी भरते वक्त, तो वो पार्शियल वॉल्यूम हो जाएगा। बाद में तो सारा वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम ही होता है। तो ये चीज समझ में आ रही है। अब एक लाइन और, ये जो आ रहे ये निकलने वाले मोल की रेट है और ये एन ए वो अंदर वाले, तो कहीं ना कहीं मैं इससे एक और रिलेशन बना सकता हूं। पता है क्या, निकलने वाले मोल मैंने मान लिया एन वन एन टू है और अंदर रखे हुए मोल मेरे पास क्या है, एन वन एन टू है। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, समझ में आया बात? क्योंकि जितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा उतने ही बाहर मोल होंगे उसके, पकड़ो बात को। तो यही तो है कहने का मतलब, ये n क्या है यहां पर, इसको मेंशन जरूर करना, n1 n2 लिबरेट मोल है, जबकि मोल प्रेजेंट इन कंटेनर, एक ही कंटेनर में है जिसके अंदर अंदर की तरफ ये रेशियो रहेगा और निकलने के बाद ये रेशियो रहेगा। गैस दो है, एक ही कंटेनर है, गैस दो है। अगर गैस तीन होगी तो फिर लेंथ ही होगा, फिर अपन होगा तो क्या करेंगे वो बात की बात है, अभी तो दो गैस के लिए तो समझ लो। तो ये आ गया लिबरेट मोल आ गया। तो ये लिबरेट मोल है, यानी कि ये है लिबरेट, ये क्या है, मोल इन कंटेनर, मोल इन कंटेनर, और ये क्या है, उनके मास, मोलर मास। तो आप एक सेकेंड रुकिए, फिर एक बार लिख लीजिएगा। आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बोलो, एक कंटेनर लिया मैंने और हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस ली, क्या ली, हाइड्रोजन हीलियम, दोनों के क्वांटिटी बराबर ली है मोल वाइज, क्वांटिटी जब भी बोलता हूं तो मोल वाइज सही है, बराबर ली, तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी। तो अब बताओ कौन सी गैस ज्यादा निकलेगी, हीलियम या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्यों निकलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, हीलियम का 4 है, तो हाइड्रोजन हल्की हुई हाइड्रोजन। अब दूसरा क्वेश्चन देखना, समझना, अगर मैंने हाइड्रोजन ली, हाइड्रोजन और हीलियम 1:2 में ले ली, किस में ले ली, 1:2 में, समझ में आ रहा है? और अब बताओ कौन सी गैस ज्यादा निकलेगी, हाइड्रोजन हीलियम या दोनों बराबर निकलेगी, हाइड्रोजन 1 मोल ली, हीलियम 2 मोल ली, यानी जो गैस भारी थी उसकी क्वांटिटी डबल कर दी है मैंने, तो अब बताओ कौन सी गैस ज्यादा निकलेगी, हाइड्रोजन हीलियम या बराबर, बराबर तो नहीं निकलेगी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हाइड्रोजन भी नहीं निकलेगी, अब बताओ, हीलियम, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। तो कैसे किया आपने, इस तरह से ऐसे किया, देखो ये है
मान लीजिए ऊपर वाला ये है 2:1, हीलियम ऊपर रख रखा है मैंने 2:1, और ये है 1/2 बन जाएगा, लेकिन ये रूट में बनेगा, रूट में आएगा, और ये 2/1 विदाउट रूट है, तो ओवरऑल क्या रहेगा, अंडर रूट 2/1। तो ज्यादा हुआ या नहीं हुआ, बराबर कम निकलती जब ये 2/1 रहता और ये 1/4 होता, समझ में आ रहा है? तो इस तरह का कुछ लेता तो बात होती, अभी तो नहीं होगी, समझ में आया? अब देखो आ रहा है यस, क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट्स? तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा एग्जाम में, हाइड्रोजन हीलियम बराबर मोल में ले लिया, और तो बताओ कौन ज्यादा निकलेगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम अगर मैंने 1:2 में लिया तो हीलियम, अगर दोनों के मास बराबर ले लिए मैंने, मोल बराबर नहीं लिए, क्या ले लिए, मास, तो कौन सी गैस ज्यादा निकलेगी, चेक करें, जिसके क्योंकि मोल डोमिनेट कर रहा है, हाइड्रोजन के मोल कितने आएंगे, मान लो दोनों के एक एक ग्राम ले लिए, तो हाइड्रोजन हीलियम के कितने आएंगे, 1/4, और उसका क्या आएगा, 1/2, तो 1/4, 1/2 कितना आ जाएगा, ये जल्दी से बोलो, 1/4 upon 1/2, 1/2 इधर आएगा और अंडर रूट में भी 1/2 रहेगा, समझ में आ रहा है? तो दोनों में वही रहेगा, तो दोनों ही एक ही चीज बोल रही है कि हाइड्रोजन ज्यादा निकल, तो अगर दोनों के सेम मोल ले लिया जाए तब भी हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगी, सेम मास ले लिया जाए तब भी हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगी, मास मोल के बराबर, सही है? तो चलो इन क्वेश्चंस को करेंगे, लिखेंगे, पहले आप उतार लो। हाँ तो देखो इधर हम इतना अच्छा सा डायग्राम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, यहाँ H2 हीलियम, N1 N2 मोल है, तो शुरू करते हैं कि क्या हमारे पास रेट रहेगी इस जगह। देखिए रेट की बात आ रही है, रेट हम किस में ले रहे हैं, R1 upon R2, तो ये हमारे पास आएगा N2 upon N1 M2 upon N1, तो यहां पर N1 upon N2 रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी तरफ एक और फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, वो बनेगा R1 upon R2, अब P1 upon P2, P1 upon P2, और हमारे पास क्या रहेगा, M2 upon M1। क्या मैं सही लिख रहा हूं, एक और फॉर्मूला लिखेगा, क्योंकि R1 R2 P1 P, जो मोल है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यहां बस मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है? एक और पॉइंट, अगर हम बात करें यहां पर मोल को मास में कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, R1 upon R2 मोल को मास में कैसे, मास से मोल कैसे निकालते हैं, W1 divided by molecular weight 1, W2 divided by molecular weight 2, और ये हमारे पास होता है molecular weight 2 upon molecular weight 1, तो यहां हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, W1 upon W2, बस फर्क ये रहेगा कि ये M2 upon M1 की पावर 1 इधर है, 1/2 इधर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 3/2, बिल्कुल सही है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट हो रहे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, R1 upon R2। एक और चीज, अगर आप बात कर रहे हैं कि R1 upon R2 क्या है हमारे लिए, तो वो मेरे पास है dV/dt, यहां 1 यहां 2 सेम टाइम में। दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूं R1 upon R2 dV, अगर dV को देखा जाए, निकलने वाले मोल निकालने जाए, तो वो हमारे पास आते हैं निकलने वाले dN/dt और dN/dt, तो यहां 1 और 2 लिखना पड़ेगा आपको, और निकलने वाले मोल, ये तो अंदर dN का मतलब अंदर से जो कम हुए, लेकिन बाहर वाले के लिए क्या हो गई है, आने वाले मोल हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूं N1/N2, सेम समय में ये रेशियो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिबरेटेड मोल हो जाएंगे,
पर सेकेंड इतने निकले, तो टोटल हमारे पास अगर डी टी के अंदर टोटल एन वन मोल इसके निकल रहे तो एन टू इसके लिए निकलेंगे। समझ में आ रहा है? एक और पॉइंट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, बाहर निकलने वाला मास क्या होगा? क्या हम मोल से मास निकाल सकते हैं? W डिवाइडेड बाय एम वन निकलने वाला है, ध्यान रखना ये मास, और वो वाला अंदर वाला था, डिवाइडेड बाय, यही लिख देते हैं हम, W1 वन डिवाइडेड बाय मोलर मास वन और डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाय मोलर मास टू। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये सब आपके बहुत काम वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत मदद करते हैं अलग अलग जगह पर। एन वन यानी मोल, तो मोल कैसे निकालेंगे? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाँ भाई, मोलर मास तो गैस का होता है, वो तो अंदर हो या बाहर हो से कोई फर्क नहीं रहेगा। और वेट दिस, तो ये वो है जो लिबरेट है, यहां वो है जो कंटेनर में है, इन कंटेनर। इन कंटेनर हाँ, ये सब कंटेनर के अंदर के ही है, ये पूरा कंटेनर के अंदर है। कंटेनर के अंदर जो मास है वो है, नहीं निकलने वाला मास और आने अंदर वाला मास अलग अलग रेशियो में होगा। इन कंटेनर, आप ये बताइए ये क्या चल रहा था? कंटेनर का प्रेशर था, कंटेनर के मोल आएंगे, कंटेनर का मास आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? ये कंटेनर में है टोटल। तो ये हमारे पास अलग है और ये हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो हमने जो भी करा है वो हमारे साथ है। सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है तीनों। पहला क्या है? थ्री फुटबॉल्स आर रेस्पेक्टिवली फिल्ड विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इफ द लीकेज ऑफ द गैस अकर्स विद द टाइम फ्रॉम द फिलिंग होल, देन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ लीकिंग ऑफ ग्रुप ऑफ गैसेस, ग्रुप नहीं गैसेस, आर एन टू आर एच टू हीलियम फ्रॉम थ्री फुटबॉल्स इन इक्वल टाइम इंटरवेल इज। ये हमें जब दिया गया है तो हम इसको कैसे देख रहे हैं? प्रेशर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाकी सब चीजें जो इंफॉर्मेशन नहीं है उन सबको हम क्या मान लेंगे? कॉन्स्टेंट। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, तीन फुटबॉल है, तीनों गैसेस हैं, तो मान लीजिए ये आर एन टू आर एच टू और आर हीलियम, ये किसके रेशियो में होगा? एन टू का रेशियो क्या होता है? 28 इनवर्सली है, फिर आपके पास क्या रहेगा? 2, फिर रहेगा हीलियम 4, बस ये आपके आंसर, यही आंसर आएगा। लेकिन इसको सीधा सिंपल करना चाहो आप तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? अंडर रूट 28 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? रूट 14, और ये कितना हो जाएगा? रूट 7। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी है, आपका भी यही आंसर आ रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यानी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, अगर यहां पर क्वेश्चन को और ज्यादा टफ किया जा सकता था, मेंस में तो यही आएगा, एडवांस में आपको क्या दे दिया जाएगा? मोल भी दे दिए जाएंगे, 1:2:3 मोल में, तो आप यहां पर रखोगे 1:2:3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेना। तो 1:2:3 दे दिए जाते मोल या पार्शियल प्रेशर दिया जाता, तो अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से, इसको 3 से। इजी और वेरी इजी, इजी, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, क्वेश्चन या तो इजी होता है या फिर वेरी इजी होता है। अगला पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO3 CO2 PCl3 और SO2। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है इसमें? CO2, वेरी गुड, सबसे हल्की गैस की रेट सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद कौन आएगा? SO2 या
बिल्कुल सही है, एसओ टू। फिर उसके बाद कौन आएगा? एसओ थ्री। फिर उसके बाद कौन आएगा? पीसीएल थ्री। तो ये हमारे पास आया सीओ टू, एसओ टू, एसओ थ्री, पीसीएल थ्री, सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी बहुत अच्छा हुआ आया हुआ क्वेश्चन है, इजी है, देखते हैं क्या है। 20 लीटर एसओ टू डिफ्यूज थ्रो है पोरस पार्टीशंस, यानी पोरस का मतलब होता है स्मॉल छेद, जैसे गैस के ऊपर जो चूल्हा होता है वो ढक्कन होता है ना ऊपर, जिसमें से गैस निकलती है, उसको बोलते हैं पोरस सिस्टम। तो पोरस पार्टीशंस, इन 60 सेकेंड्स वॉल्यूम ऑफ ओ टू डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशंस इन 30 सेकेंड्स विल बी। तो देखिए आपको रेट आर एसओ टू अपॉन आर ओ टू, सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन का मतलब कहना चाह रहा है एग्जामिनर, सेम प्रेशर है इंटरनली। तो बताइए ओ टू का मास कितना होगा, जल्दी से बोलिए। ओ टू का होगा 32 और एसओ टू है 64। क्या मैंने सही लिखा? मैं गलत लिखता ही नहीं हूं। अब आर एसओ टू कैसे देखोगे, रेट क्या रेट है आपके पास? 20 लीटर इन 60 सेकेंड्स, 20 लीटर 60 सेकेंड्स डीवी बाय डीटी, आर यही होता है डीवी बाय डीटी। इसके लिए क्या है डीवी बाय डीटी की वैल्यू, जोर से बोलो डीवी बाय डीटी। डीवी वी निकालना है और टी कितना है 30, ये कितना रहेगा 1/2 रूट में। अब v निकालना है आपको, तो v की वैल्यू निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, रूट टू उस तरफ जाएगा, v ऊपर जाएगा, ये काट ही दो आप टू टाइम्स, ये भी क्रॉस कर दो 10 टाइम्स, तो ये आपके पास कहाँ आएगा 10 यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 1.41 की जगह 14.14। क्या आंसर आ सकता है 14.14? सेकेंड्स में आएगा या मिनट में आएगा? सेकेंड्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी टाइम सेकंड में था, यहाँ पर भी टाइम, यहाँ पर नहीं लीटर में, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम लीटर में था तो यहाँ पर भी वॉल्यूम लीटर में आएगा। इसको मिली लीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक है। पहला देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे पास ये लिखा है द वॉल्स ऑफ एक्स एंड वाई ओपन साइमल्टेनियसली, द वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल फर्स्ट फॉर्म एट, या ध्यान से सुनिए, ये कौन सी गैस है, हैवी है, ये क्या है लाइट है, तो हैवी वाली ज़्यादा मूव करेगी या कम मूव करेगी, कम, और लाइट वाली ज़्यादा करेगी तो कहीं ना कहीं सी के आसपास आएगा, तो आंसर क्या होगा इसका सी। कोई समझ में आया? अब अगर यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ा टफ कर देता, ये तो मेंस का है, एडवांस का कैसे करता है इसको, वो कहता है ये 100 mm, कितनी है 100 सेंटीमीटर है, और ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए उसने दे दिया m है, m सेंटीमीटर, या m मत लिखो, ये बोल दिया उसने कोई भी ऐसी डिस्टेंस l सेंटीमीटर, तो बताओ l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, एक 100 है और एक l है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फाइंड l, ये एक और एग्जांपल इन अबव क्वेश्चंस। तब आप कैसे करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन करें इसको, भी आप इतना तो बोल सकते हैं आर एन एच थ्री अपॉन आर एस सी एल, दोनों के लिए सेम प्रेशर दिया है, सेम चीजें दी है, अगर नहीं बोला है तो सेम लेना है। 36.5 लिखेंगे, यहां मोलर मास इसका 36.5 है, इसका मोलर मास कितना है 17। अच्छा आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, डीवी बाई डी टी, डी टी सेम है, डीवी रह जाएगा, बोलो या सुनो, तो डीवी बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो डीएल बाई डी टी लिख सकते, डीएल ये लिख सकते हो। अब बताओ डीएल वन कितना रहेगा, ये 100 है तो ये यहां से यहां जाएगा तो कितना रहेगा 100 माइनस एल, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 माइनस एल, और नीचे वाली जो एस सी एल के लिए वो कितने हो जाएगी L, और ये किसके बराबर आएगा अंडर रूट 36.5 अपॉन 70।
बोलो कुछ समझ में आया या नहीं आया? तो क्या आप एल निकाल सकते हो? हाँ बोलिए। वॉल्यूम कौन सा लेते हो आप, ये जो डिफ्यूज हुआ है या कंटेनर का है? डिफ्यूज हुआ है तो डिफ्यूज वाला वॉल्यूम है, तो डिफ्यूज वाली ही लेंथ आएगी यहां से वॉल होती। समझ में आ रहा है? ये वॉल्यूम कंटेनर का नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है? श्योर समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन एडवांस के लिए पूछा जा सकता है। आ रहा है ना समझ में? अब अगला पॉइंट, एक्स एम एल ऑफ एच टू गैस ऑफ इफ्यूज थ्रो ए हॉल इन ए कंटेनर इन 5 सेकेंड, देन टाइम टेकन फॉर इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। चलिए ठीक है, ये कौन सी गैस हो रही है कंटेनर बताइए? एच टू। दूसरी गैस कौन सी है? अब ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? बी। कैसे देखेंगे? मान लीजिए बी सही है, तो बी सही है तो एक्स एम एल ऑफ एच टू, और ये कितना है 20, ओ टू का मास 32, एच टू का मास 2, एक्स एम एल कितने सेकंड ले रहा है? 5, और ये कितना ले रहा है जल्दी से बताइए, कितना ले रहा था ये? 20 सेकंड। सेम वॉल्यूम है क्या? ये वैल्यू सेम आ रही है? एक्स एम एल डिफ्यूज होने में 5 सेकेंड, एक्स एम एल सेम वॉल्यूम है डिफ्यूज होने में 20 सेकेंड, सेम वॉल्यूम दे रखा है। तो एक्स डिवाइडेड, तो ये कितना आ रहा है 4:1, और ये कितना आ रहा है 16। तो यानी आपका आंसर बी सही है। ऐसे ही आप हीलियम के लिए भी ट्राई करो। चलिए आप करो, अब आपको बार बार ये नहीं लिखना है, लिखना पड़ेगा नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है 10, नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर भी करें अपन, लेकिन वो सब आंसर क्या हो जाएंगे? गलत आएंगे। चलो फिर भी कर लो एक उम्मीद के लिए, x डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ क्या लिखोगे? x डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ क्या रहेगा आपके पास? जल्दी बोलो, टिक टिक टिक, 1 3। यहाँ क्या रहेगा? इस गैस का नाम क्या है? हीलियम 4 डिवाइडेड बाय उस गैस का नाम हाइड्रोजन 2, ये क्या आ रहा है 2/1, और ये क्या आ रहा है √2/1। क्या दोनों बराबर होते हैं? नहीं। तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे ही आप एक एक करके दूसरे भी गलत करते चले जाना।